IBN 24 न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनादेश यात्रा पहुंची भोजपुर विधानसभा सुल्तानपुर अब्दुल्लागंज और मंडीदीप में, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान खूब बरसे कांग्रेस के राहुल बाबा पर। कहा राहुल बाबा को नहीं है संस्कृति का ज्ञान। कमलनाथ ने राजीव गांधी के साथ काम किया है, परंतु राहुल गांधी कमलनाथ को कमल के नाम से करते हैं संबोधित। इंदौर में कहते हैं कमल आइसक्रीम खा लो, कांग्रेस में बुजुर्गों के प्रति संस्कार की कमी है। देखिए पूरी खबर। आई सुल्तानपुर है, जहां पर शौर्य पद्म विभूषण सुंदरलाल पटवारी ने करूंगा कि भाई मध्य प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री भाई शिवराज सिंह चौहान जी का पुष्पहारों से स्वागत करें। सम्मानी राजेंद्र अग्रवाल जी से अनुरोध है, भाई माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, वंदन करें। मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल मंडीदीप के महामंत्री कमल जी और प्रेम साहू जी से निवेदन करूंगा कि भाई मैं माफी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी यहां उपस्थित है। मध्य प्रदेश के जन जन के लाडले नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जिला अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र चौहान जी, प्रदेश कार्य समिति के हमारे सदस्य पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल जी, मंडल के हमारे सभी पदाधिकारी, पूर्व मंडल की नगर पालिका अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष अरविंद जैन जी, मंच पर बैठे हुए सभी हमारे वरिष्ठ जन, मंडीदीप के सभी माताएं बहनें, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको संबोधित करेंगे। मैं आपकी ओर से हमारी भोजपुर की नगरी की ओर से और खासकर मंडीदीप से आए हुए 26 वार्डों से पूरा नगर नयापुरा से लगाकर पिपलिया गज्जू और सारे बिठोरी और सारे लोग, बहुत जबरदस्त स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का हुआ है। आज हमें माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है। मैं सिर्फ इस मंच से आपसे ये कहना चाहूंगा कि आज मुख्यमंत्री जी ने जो मध्य प्रदेश में और देश में ऊंचाइयां हासिल की है, न कोई मुकाबला है, न कोई सामने है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कृपया सब लोग बैठ जाएं। मेरी श्रीमती जी मोनिका पटवा, तन्मय पटवा, तनुश्री पटवा, सभी लोग यहाँ उपस्थित, मेरे भोजपुर के सभी परिवार के लोग, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। हमारे सभी पत्रकार बंधु, सारी माताएं बहनें, आज समय है पूरे मध्य प्रदेश को जनमत दिलाने का। आज समय है पूरे मध्य प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी की चौथी बार सरकार बनाने का, और मैं आपका सेवक आदरणीय पद्म विभूषण सुंदरलाल पटवा जी, आदरणीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सारे कुंभ राशि के हैं, सभी ने भोजपुर विदिशा देश प्रदेश सबने राज किया है, और शिवराज जी ने दिलों पे राज किया है। बड़े सहज और सरल हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने ये कार्यक्रम कैसे दिया, सभी मुख्यमंत्री जी के मुखबंद सुनेंगे। आपने 26 वार्डों को मंडीदीप में, 7 वार्डों को सम्मिलित किया, उसके लिए आपका सबको बहुत बहुत आभार। हमारा पूरा क्षेत्र नगरपालिका से लगाकर
सारे आसपास क्षेत्र के सभी उपस्थित बंधु, आज वक्त आ चुका है कि हम और आप सब जिस तरह से उज्जैन की महाकाल नगरी से जन आशीर्वाद रैली का शुभारंभ हुआ है और आज भोजपुर के विश्व का सबसे बड़ा शिव मंदिर, यहां से फिर शिवराज जी का जनादेश की यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई है। आइए आप और हम लोग सब मिलकर एक बार फिर से मध्य प्रदेश की सरकार बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरा समर्थन दे और दोनों हाथ खड़े करके स्वीकृति दीजिए कि मुख्यमंत्री जी को फिर से चौथी बार सरकार बनवाना है। अब 3 बार तो सरकार बना ली है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने रिकॉर्ड तोड़ा है लगातार पिछले कितने ही सालों से, न केवल विदिशा से, न केवल मध्य प्रदेश, मैं कहां की बात करूं, लेकिन जहां तक आदरणीय पद्म विभूषण सुंदरलाल पटवा जी, आदरणीय शिवराज जी, सुषमा जी, बोले भारत माता की, इतने जोर से कि मंडी दीप का आसमान गूंज जाए और विरोधियों के दिल दहल जाए। बोलिए भारत माता की, मंडी दीप और आसपास की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों, मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री, संस्कृति मंत्री, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश 3-4 साल से पर्यटन के क्षेत्र में नंबर 1 का राज्य बना हुआ है। आज मेरी बहनें, मैं देख रहा हूं यात्रा में 5 बजे से इंतजार कर रही है, 5 बजे से 4-4, 5-5 घंटे हो गए। मेरी बहनाओं, तुमने अपने भाई का 5 बजे से लेकर अब तक 4-5 घंटे इंतजार किया है, ये तुम्हारे प्यार का कर्जा है इस भाई पे। और चिंता मत करना, महिला सशक्तिकरण करके माँ बहन और बेटी को आगे बढ़ा के इस प्यार का कर्जा शिवराज उतार देगा। आपने अपने भाई में विश्वास व्यक्त किया है, जान भले ही चली जाए इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी खंडित नहीं होने दूंगा। और देखो बहने भी कितना लाड़ करती है, पैदल चल के आई और यहाँ जगह नहीं मिली तो नीचे ही बैठ गई अपने भैया की सभा सुनने। बहनों तुमको प्रणाम। सचमुच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये पटवा जी का कर्म क्षेत्र है, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन भी है, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके चरणों में प्रणाम। उनके कारण भारत एक और अखंड हुआ और आज इस रूप में हमारे सामने है। सुंदरलाल पटवा जी को प्रणाम, वो हमारे मार्गदर्शक है, उन्होंने भोजपुर क्षेत्र के विकास की को नई दिशा दी और पहचान सारे हिंदुस्तान में बनाई। मेरे जैसे कई कार्यकर्ता स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी ने तैयार किए। लेकिन बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने भी सरकार चलाई, विकास कब हुआ, एक बार तब जब पटवा जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, भोजपुर के विकास को नई दिशा दी सुंदरलाल पटवा जी ने। लेकिन 10 साल कांग्रेस की काली सरकार आई, वो भयावह दिन, वो भयानक दिन भूले नहीं जाते, जब मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया गया था। पूरे मध्य प्रदेश में सड़कें नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, चारों तरफ हाहाकार मचा था। बताओ मंडीदीप वालों, कांग्रेस की सरकार में कहीं सड़कें बची थी क्या? जोर से बताओ, बची थी क्या? सड़कें खत्म, गड्ढों में सड़कें की सड़कों में गड्ढा, पता ही नहीं चलता था, बिजली मिलती नहीं थी, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे दिग्गी, आपने मध्य प्रदेश को अंधेरों का प्रदेश बना दिया था। और मेरी बहनों और भाइयों, इस दिवाली के दिन तक मध्य प्रदेश के किसी गांव में कोई घर अंधेरा नहीं रहेगा, हर घर बिजली देने का चमत्कार किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पानी हो, बिजली हो, सड़कों का सवाल हो और सुरेंद्र पटवा के नेतृत्व में मंडीदीप के विकास का सवाल हो,
2700 एकड़ जो औद्योगिक क्षेत्र है उसके और आप सबका अभिनंदन करता हूं आशीर्वाद और स्वागत करता हूं कि आपने मिलकर हम लोग मांगेंगे आज सुल्तानपुर से यह अभियान शुरू किया है जनता का आशीर्वाद मिला है। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। विकास हुआ है अद्भुत और अभूतपूर्व। आगे भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जनता के प्यार का जो कर्ज है विकास और सेवा करके दिल्ली जा रहे हैं क्या टिकट कल तक खाए में हो जाएंगे जल्दी हो जाएंगे।